यूपी में आज चौथे चरण की परीक्षा, 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग जारी। राजा भैया समेत 680 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। यूपी में पांचवें चरण के लिए रैलियों का दौर जारी। पीएम मोदी करेंगे बहराइच और बस्ती में जनसभा को संबोधित। अखिलेश मायावती भी करेंगी कई रैलियां। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 10 निकाय चुनावों के नतीजे आने हुए शुरू। अमरावती से निर्विरोध जीती बीजेपी की रीता पटेल। बीजेपी शिवसेना की प्रतिष्ठा दांव पर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना के काफिला पर आतंकी हमला, 3 जवान शहीद, कई जख्मी। फायरिंग में एक महिला की भी मौत। और राज्य में कॉलेज में जेएनयू छात्र उमर खालिद के पहुंचने पर एबीवीपी और आईसा के छात्रों में जमकर हाथापाई। मोइस नगर थाने के बाहर धरना दे रहे छात्रों को पुलिस ने हटाया। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, तो बड़ी खबरों से शुरुआत करें। आज चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से। सबसे बड़ी खबर यह है, 12 जिलों की 53 सीटों पर चुनाव हो रहा है और काफी अहम ये मुद्दा है, काफी अहम ये चुनाव है। इसके बाद अगर हम बात करें बीएमसी चुनावों की, तो लगातार बीएमसी चुनावों के परिणाम भी आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम आज एक और बड़ी खबर की बात करें, जो कि सतलुज यमुना, यानी सतलुज यमुना लिंक की अगर बात करें, तो उस मामले में भी अब एक बड़ी सुनवाई हुई है। तो सतलुज यमुना लिंक मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को, यानी अर्जी जो दी वो खारिज कर पुरानी स्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि यमुना सतलुज का पानी हरियाणा का भी उतना ही उस पर अधिकार है जितना कि पंजाब का है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। SYL के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा में राष्ट्रीय दलों का स्टैंड अलग अलग है। पंजाब में जहां बीजेपी इसके खिलाफ है, वहीं हरियाणा में इसके हक में है। इसी तरह से कांग्रेस हरियाणा में इसके हक में है और पंजाब में इसके खिलाफ। यही हाल अकाली दल का है। पंजाब में अकाली इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, जबकि हरियाणा में अकाली दल के एकमात्र विधायक इसके हक में है। एक तरफ पंजाब में सियासी नेता हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देने की बात करते हैं, वहीं उन्हीं पार्टियों के सियासी नेता हरियाणा में नहर बनाने की बात कह रहे हैं। पंजाब में पड़ते कपूरी गांव के लोग इसके खिलाफ हैं, वो पंजाब पुलिस के साथ खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ इस गांव के बिल्कुल साथ लगे गांव इस्माइलपुर के लोग इसके हक में हैं। ये दोनों गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं। बता दें कि इस मुद्दे ने पार्टियों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी बांट दिया है। इनेलो के 23 फरवरी को SYL नहर की खुदाई के आह्वान को लेकर जहां दोनों प्रदेशों में सियासी माहौल गरमाया है, वहीं पंजाब और हरियाणा की सरकारों के लिए दोनों प्रदेशों में शांति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जाट आरक्षण को सुलझाने में जुटी हरियाणा सरकार के लिए ये मामला बड़ी समस्या है, जिसके चलते जिलों में कानून व्यवस्था को चौकस कर दिया गया है। अंबाला क्षेत्र में स्थिति को संभालने के लिए केंद्र से 5 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कंपनियां वहां पहुंच गई हैं। अब आपको बताते हैं SYL विवाद क्या है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का बंटवारा नहीं हुआ। हरियाणा को 3.5 MAF पानी आवंटित कर दिया। 212 किलोमीटर लंबी SYL नहर बनाने का निर्णय हुआ था। 91 किलोमीटर नहर का निर्माण वर्षों पूर्व पूरा कर दिया था। 24 मार्च 1976
केंद्र ने अधिसूचना जारी करके पहली बार हरियाणा के लिए 3.5 MAF पानी की मात्रा तय की। 13 दिसंबर 1981 पंजाब को 4.22 और हरियाणा को 3.50 MAF पानी की मात्रा तय की गई। 8 अप्रैल 1982 इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव के पास नहर खुदाई के काम का उद्घाटन किया। विरोध के कारण पंजाब के हालात बिगड़ गए। 24 जुलाई 1985 राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। वर्ष 1996 समझौता सिरे नहीं चढ़ने पर हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 15 जनवरी 2002 सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एक वर्ष में SYL बनाने का निर्देश दिया। 4 जून 2004 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब की याचिका खारिज हुई। साल 2004 पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 बनाकर तमाम जल समझौते रद्द कर दिए। 20 अक्टूबर 2015 मनोहर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का अनुरोध किया। 26 फरवरी 2016 इस अनुरोध पर गठित 5 जजों की पीठ ने पहली सुनवाई की, सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च 2016 8 मार्च को दूसरी सुनवाई हुई। अब भी मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास है, लेकिन पंजाब सरकार बिना कानून के डर के जमीन लौटाने का ऐलान कर चुकी है। अब ये नया मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब द्वारा टर्मिनेशन ऑफ रिवर वाटर्स एग्रीमेंट 2004 को रद्द किए जाने की कार्रवाई को गैर कानूनी व असंवैधानिक ठहराया है, जिसके चलते हरियाणा ने पंजाब की नदियों पर अपने दावे को एक बार फिर से दोहराना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर इनेलो ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है और उसने 23 तो देखा आपने, सतलुज नदी को लेकर घमासान शुरू हो चुका है और देश की सबसे बड़ी अदालत की यानी सुप्रीम कोर्ट की बात को भी अब पंजाब सरकार मानने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ बात हो रही है कि अगर पंजाब सरकार ने साफ कहा है कि अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता तो खून बहा देंगे, कतरा बहा देंगे, इस तरीके की बातें हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या उस अदालत का फैसला भी अब पंजाब सरकार मानने को तैयार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी इलेक्शन के बारे में। तो आज चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी हो चुका है। इस चरण में 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान हो रहा है। 680 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन सीटों पर करीब 1,84,35,000 वोटर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के साथ साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर जिले की 53 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट और हम उनसे बात करेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। तो हमारे साथ बीजेपी से अशोक गोयल हैं जिनका स्वागत मैं करती हूं, समाजवादी पार्टी से देवेंद्र प्रमुख हैं जिनका स्वागत करते हैं और जानेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। तो सबसे पहला सवाल सर मैं अशोक गोयल जी से पूछना चाहूंगी। अशोक गोयल जी, जिस तरीके से चौथे चरण की वोटिंग है, काफी अहम वोटिंग है, अगर हम बात करें इसके आगे चरणों की तो अभी और भी चरण है जो काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, लेकिन ये चरण काफी ज्यादा अहम है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, आपकी पार्टी समेत जो और भी पार्टियां हैं, कई पार्टियों में ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या वो इस देश को चलाएंगे? नहीं, देखिए कंचन जी, आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही सही मुद्दा है कि राजनीति के अंदर आपराधिकरण नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी के लिए मशहूर हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से कई उम्मीदवारों के ऊपर जो मुकदमे होते हैं वो राजनीतिक दृष्टि से होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती, कभी भी अपराधियों को सपोर्ट नहीं करती। आपने देखा होगा कि हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, अभी केंद्र में भी हैं और अलग अलग राज्यों में भी हैं,
कल्याण सिंह जी की नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में। जी इस पूरे मुद्दे पर अभी बात मैं करूंगी, फिलहाल मैं जानना चाहूंगी अंबाला जहां से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाहूंगी उनसे कि इस वक्त एसवाईएल मुद्दा जो इतना बढ़ गया है, जो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, घमासान इस पर मचा हुआ है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं वहां से, नरेश। तो नरेश आपको मेरी आवाज मिल रही है? नरेश आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो नरेश को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। मुद्दा एक बार फिर से मैं ले जाना चाहूंगी यूपी इलेक्शन की तरफ और जानना चाहूंगी यूपी इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से मेरा सवाल अशोक गोयल जी से था और वो जवाब दे रहे थे कि आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं काफी उम्मीदवारों के ऊपर, उसके बावजूद भी उन्हें उतारा गया, और बड़ा सवाल क्या ये देश को चलाएंगे अशोक गोयल जी? नहीं कंचन जी, मैं आपको बता रहा था कि निश्चित रूप से आपराधिक छवि के व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर सपोर्ट नहीं करती है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की ही सरकारों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आपने उत्तर प्रदेश में देखी है कि किस तरह से गुंडे और अपराधी यहाँ से प्रदेश को छोड़कर भाग गए थे, और यही स्थिति आपने मायावती जी की और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकारों को देखी है कि किस तरह से यहाँ पर थानों को भी संरक्षण है, FIR दर्ज नहीं की जाती है। गायत्री प्रजापति जैसे मंत्री जो इस प्रदेश में हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर अपराधियों को संरक्षण नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर अपराधियों को आगे नहीं बढ़ाती। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है। सवाल देवेंद्र प्रमुख जी आपसे समाजवादी पार्टी से है, सवाल यही आपसे मैं करना चाहूंगी। जिस तरीके से इस बार का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन वही सवाल कि इस बार काफी ज्यादा जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, क्या लगता है देश की सेवा करेंगे वो? कंचन जी, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी मेरे मित्र अशोक जी भी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बेदाग पार्टी है, उनके पास उनके उम्मीदवारों पर कोई मुकदमे नहीं है। आप 403 का लिखित में अभी निकाल के देख लीजिए कि इस प्रदेश में जो वर्तमान चुनाव आज चल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां अगर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं 403 में, तो पहले नंबर की पार्टी परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद की जो पार्टी है वो पार्टी बनती है आपकी बहुजन समाज पार्टी, और सबसे कम टोटल में जिन पे मुकदमे दर्ज हैं वो है समाजवादी पार्टी। तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और माननीय मित्र को ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप अखिलेश जी पे सवाल उठाने से पहले ये देखें कि आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर आप और कैसा मुकदमा दर्ज कराना चाहेंगे, किस तरीके का होना चाहिए, कौन सा ऐसा मुकदमा है भारत के लोकतंत्र के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार जो उनके नाम पर दर्ज नहीं हो। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हैं 302 से लेकर दुनिया भर के 76 तक के मुकदमों में, तो आप और क्या चाहते हैं इससे ज्यादा? आपके कितने लोग, कितने मंत्री आपके बयान दे दे के जो सांप्रदायिकता को बार बार उठाते हैं, जिनका चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं है, आज ऐसी स्थिति आ गई कि आपकी माननीय प्रधानमंत्री जी को अखिलेश जी का नाम लेकर बयान देना पड़ रहा है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी, आज उन्होंने यहां तक हिला के रख दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो दुनिया की बात कर रहे थे आज वो एक प्रदेश में घेर दिए। ये हार जीत तो बाद की बात है, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बेदाग छवि के और युवाओं की जान और पहचान और एक सम्मान के साथ नाम लेने वाला एक नाम आया राजनीति में। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री और इस देश में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो विकास के नाम से पहचाने जाते हैं, और वो नाम है अखिलेश यादव। बिल्कुल, मैं कंचन जी देवेंद्र जी की बात के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसे कि इनकी जो मन की बात है वो जुबान पर आ जाती है, जैसे इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बताया कि उनके ऊपर केस दर्ज है। गुजरात में हमने देखा कि जब 13 साल से लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, अमित शाह जी उसमें सरकार में, बिल्कुल अशोक गोयल जी इस बारे में बात करेंगे, यहाँ रोकना चाहूंगी और एक बार फिर से मैं अंबाला पहुंचूंगी जहां हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है, घमासान इस मुद्दे पर मचा हुआ है, लगातार पंजाब और हरियाणा के बीच में इस पूरे मुद्दे को लेकर झड़प हो रही है। लगातार अगर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी इस मुद्दे में कहीं भी ठंड पड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर से चलते हैं अंबाला जहां हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं नरेश। तो नरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से पूरे मुद्दे पर घमासान चल रहा है, क्या हालात हैं और क्या कुछ हो रहा है?
देखिए ये वो मंच है जहाँ से इनेलो लीडर आएंगे, इनेलो कार्यकर्ता आएंगे, इनेलो के जो भी छोटे मोटे जो भी बड़े जो भी अधिकारी सब आएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करते हैं, वो बताएंगे कि आगे क्या मुद्दा होगा। पूरे प्रदेश के कोने कोने से इंडियन नेशनल लोकदल के हजारों कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंचने की प्रक्रिया अभी जारी है। प्रशासन काफी कोशिशें कर रहा है कि वो किसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को जो रैली स्थल पर पहुंचना चाहते हैं उनको गुमराह करके इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों में बड़ा भारी जोश है, बड़ा भारी चाव है कि कैसे भी जो SYL का मुद्दा है वो सोल्व हो, कैसे भी नहर आए और उसका पानी दक्षिण हरियाणा, विशेष तौर पर दक्षिण हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, मेवात, झज्जर जिलों में मिल सके। और इन इलाकों में जहां तक जमीनी पानी है वो करीब करीब सूखने के करीब है, अगर SYL का पानी नहीं मिलता है तो उस सारे इलाके के बंजर होने की संभावनाएं बनती है, फिर इतनी बड़ी आबादी का क्या भविष्य होगा। इंडियन नेशनल लोकदल के सीनियर लीडर्स, विशेष तौर पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ये प्रदेश के लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरे सियासी दल प्रदेश के लोग तो पंजाब की राजनीति की वजह से चुपचाप मुंह बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों को इस बात के लिए लामबंद किया और आज इस पंडाल में लाखों लोग उपस्थित होंगे और नहर का मार्ग प्रशस्त होकर रहेगा। रवि जी एक बात बताइए, जैसे कि प्रशासन ने पूरे बैरिगेट लगा के सभी को रोकने की कोशिश की गई है, तो अगर बैरिगेट लगा के आपको रोका जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे? ये सर्वविदित है कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जितना कर्मठ और जोशीला होता है वो किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम है। हम किसी भी बाधा से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी भी बाधा को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उस चुनौती को पार करने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन अपनी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का फर्ज बनता है कि प्रदेश के हितों के लिए उसे भी इस मुहिम में सहयोग करना चाहिए, पंजाब की भारतीय जनता पार्टी, पंजाब की कांग्रेस पार्टी एक समेत शोर में कहती है कि हरियाणा प्रदेश को एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो हरियाणा प्रदेश के दूसरे राजनीतिक दलों का भी फर्ज बनता था कि वो भी प्रदेश के हितों के लिए इकट्ठा होकर बात करते, लेकिन अपने सियासी सीनियर लीडर्स के राजनीतिक हितों का ख्याल रखते हुए वो चुपचाप है। और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है अपने हौसलों के लिए, अपनी ताकत के लिए, तो किसी भी चुनौती का सामना करने में वो सक्षम है। ये थे हमारे साथ रवि जी, प्रदेश प्रवक्ता, और इसी के साथ तो बिल्कुल नरेश जी, मैं यहाँ आपसे नरेश जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आप इनसे ये एक सवाल पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आने के बाद भी आखिरकार उसका सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल आप इनसे पूछिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो आया है उसका सम्मान आप लोग क्यों नहीं कर रहे, इसका क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो हम क्या, प्रदेश और देश का हर व्यक्ति करता है और हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते खूब सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया था कि ये केंद्र सरकार के जिम्मे है कि वो नहर का निर्माण करे, लेकिन राजनीतिक हालात में जिस तरह से राजनीतिक दबाव बनाए जाते हैं, हम प्रदेश के लोगों की चिर परिचित मांग को राजनीतिक तौर पर बुलंद करना चाहते हैं। हम कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और उसके साथ, और कोर्ट का जहां तक आदेश आया है वो भी हमारी एक तरफा एक नैतिक जीत हुई है। हम भी इसी बात के लिए कहते हैं कि हरियाणा का हिस्सा बनता है और सरकारें दूसरे तरीकों से कहीं ना कहीं कोर्ट को भी गुमराह करती हैं और इस काम को विलंब करने की कोशिश करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता एक संदेश देना चाहता है कि उसके हित सर्वोपरि है, हम कोई भीख नहीं मांगते, हम कोई खैरात नहीं मांगते, 500 वर्षों से ये लंबित मामला है, हमारा हक बनता है, संघीय व्यवस्था में ये जरूरी होता है, हमारे अपने हित है। कर्नाटक और तमिलनाडु का भी फैसला हुआ है, कर्नाटक को तमिलनाडु को पानी देना पड़ा, तो पंजाब को और पंजाब के सियासी दलों को और केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं को चाहिए कि वो हमारा हक दे, हम कोई किसी की खैरात थोड़ी ले रहे हैं, किसी की कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा हक है और लेकर रहेंगे। रवि जी एक आवाज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया है, उस टाइम का आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे?
तो ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि हरियाणा बीजेपी का है तो पंजाब भी कहीं अपना सा है, लेकिन अगर बादल की बात करें तो बादल एक बूंद भी पानी देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा घमासान मचा हुआ है। और इस घमासान में अगर कोई बीच में पिस रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाम है, यानी जनता है दोनों तरफ की, क्योंकि अगर बात की जाए पानी की तो दोनों सूबों को ही पानी की जरूरत है, जिसके बीच लगातार आवाम पिसती जा रही है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी कि हम खून बहा देंगे, हम कतरा बहा देंगे, ये बंद होने का नाम ले रही है, माफ कीजिएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया जिसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं किया जा रहा, लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं और बादल यानी एक बूंद पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए चैनल बन के साथ।